सर अपना नाम बताओ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जबीउल्लाह खान गर्दर जी। इंशाल्लाह मेरी जिम है अमस्त, नई जिम है अमस्त का नाम, वीएपी जिम कर बोलते हैं इसे। अमस्त में न्यू इक्विपमेंट्स है और ज़रा हाई फाई चीज़ करने वाले हैं। वीआईपी जिम नाम क्यों रखा है सर, सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है या जनरल पब्लिक? नहीं, जनरल के लिए भी है, जनरल में थोड़े ले अच्छे लोगों के लिए है। जी तो ये आप पहली जिम बनाई है? नहीं, ये मेरी फोर्थ जिम है मेरी। जी तो पिछले तीन जिमों का नाम क्या है? रॉयल फिटनेस है, न्यू रॉयल फिटनेस है और रॉयल फिटनेस अकेडमी है और ये वीआईपी जिम है। वो कहाँ कहाँ पे है? एक राजकुमार रोड पे एक है, राजकुमार रोड पे थोड़े दिन सामने एक अकेडमी है, उधर इधर थोड़े नीचे पे एक है, राजनगर में है। जी जी तो कितने साल से आप ये जिम लाइन में? एक 13-14 इयर्स। तो यहाँ पे जो आज ओपनिंग के लिए कौन कौन आ रहे हैं सर? यहाँ MLA चंद्रशेखर साहब आ रहे हैं, आफ्ताब साहब आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसर साहब अयूब खान एक्समेर आ रहे हैं और मिस्टर खुद आ रहे हैं। सर ये लोकेशन चुनने की वजह क्या सर? ये लोकेशन चुनने की वजह क्या, ये एरिया में थोड़ी अच्छी जिम नहीं थी। जी अच्छी जिम थी मगर थोड़ा अच्छी और जिम नहीं थी, इसलिए थोड़ा अच्छी करने की कोशिश कर चुका हूँ। ये क्या टाइमिंग से खुली रहेगी सर? ऑलमोस्ट सुबह 6 बजे से 12-1 बजे तक भी खुली रहेगी। जी शाम पे 3 बजे से 11 बजे तक भी खुली रहेगी। यहाँ पे कौन इंस्ट्रक्टर्स हैं सर? अच्छा, दो ट्रेनर्स भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा और मेरे भाई लोग भी रहेंगे। यहाँ के नॉमिनल फीस है या कुछ हाई फाई है? नॉर्मल है, नॉर्मल फीस है। जी कंपेयर टू अदर जिम्स? बहुत जो और जिम के कपड़े डलते नॉर्मल जिम है। नॉर्मल जिम तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी नहीं आए? पूरे नए इक्विपमेंट देख सकते हो आप, पूरा न्यू इक्विपमेंट्स है। जी जी थैंक यू। पब्लिक को आप कैसा बोलना चाहती हैं कि दूसरे जिम्स के अलावा यहाँ भी आकर ट्राई करो? यहाँ भी देखो तो मेरी एक सिंगल जिम नहीं है, फर्स्ट जिम नहीं है मेरी, ऑलमोस्ट मेरे 3-4 जिम ओपन कर चुका हूँ मैं, इसलिए से वही जानते हैं मैं जिम कैसे रहेगा, ट्रेन कैसा करूँगा, ऑलमोस्ट उनको रिजल्ट कैसा मिले उन्हें खुद ही जानते हैं। तो मेल फीमेल दोनों के लिए? हाँ, दोनों यूनिसेक्स है। तो टाइमिंग क्या अलग रहेगा? नहीं, ऑलमोस्ट यूनिसेक्स भी है और सेपरेट टाइमिंग होना चाहते ऑलमोस्ट 10-2 ऐसा भी? हाँ ऐसा भी रहेगा। थैंक यू। ಸುಮಾರು ಜಿಮ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಯಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ರಾಯಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1.5-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರತ್ರ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಜಿಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಹೊಸ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರು, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಜಿಮ್, ಇವ್ರ ಜಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು 1.5-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಜಿಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ? ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡೂ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು